लतों में मस्त नहा धो के निकल चुका हूँ। हाय दोस्तों, आप सभी का और एक नए ब्लॉग में स्वागत है। और देख सकते हैं ये मैं बुधवेल स्टेशन में हूँ, देख सकते हैं पीछे में ये पूरा। और जस्ट मैं भी जाने वाला हूँ काचीगुड़ा, जो कि यहाँ का एक बहुत ही फेमस जगह है, तो उसको आज ब्लॉग में कंटिन्यू कवर करेंगे। कंटिन्यू रहिएगा, आपको काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे कंटिन्यू बने रहें। और देख सकते हैं ये है यहाँ का छोटा सा स्टेशन है, उतना बड़ा नहीं है, लेकिन काफ़ी फेमस इस जगह में जहाँ पर मैं रहता हूँ, इसका नाम बुधवेल स्टेशन, ठीक है। तो ये है यहाँ की एक लोकल ट्रेन, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इसका ट्रेन का जो टिकट है मात्र 5 रुपये इसका प्राइस है। ये भी है, कैमरा भी लगा हुआ है इस ट्रेन के अंदर, ठीक है। तो ये ट्रेन काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो चलिए आगे ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा, वो काफ़ी कुछ इसमें देखने को मिलेगा। 2 hours later तो दोस्तों काफ़ी देर इंतजार करने के बाद जो है ना ट्रेन निकल के आ चुकी है, और काफ़ी ज़्यादा खाली है, इतना ज़्यादा लोग हैं नहीं। और ये सभी स्टेशनों के चार्ट हैं, जो कि आपको एक स्टेप बाई स्टेप आपको जो स्टेशन आने वाले हैं उसके चार्ट दिए हुए हैं। और साथ ही इसमें आपको एक अच्छी फैसिलिटी ये भी है कि अब जैसे ही आपका स्टेशन कोई भी स्टेशन आएगा तो आपको अनाउंस करके बताया जाएगा कि आप इस स्टेशन पर आ चुके हैं, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस ट्रेन का, लोकल ट्रेन का। तो फाइनली हम पहुंच गए। तो ये है काचीगुड़ा का रेलवे स्टेशन, जो कि हैदराबाद में बहुत ही फेमस जगह है। काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन आप सर्च कर सकते हैं। तो चलिए, इसी के पास एक बहुत ही प्यारा मंदिर है, उसका नाम है श्री श्याम बाबा मंदिर। तो उसका हम लोग आज अच्छे से देखेंगे क्या क्या इसके अंदर है। तो ये इसका बाहर का कुछ नज़ारा है, जो कि इस तरह दिखता है रोड से ही। तो जस्ट देखते हैं, इसके जब अंदर आएंगे तो आपको सीढ़ियाँ दी हुई है, आप सीढ़ियाँ से एंटर करेंगे। और सबसे पहले देखिए, आपके सामने जो एक नल दिया हुआ, आप इसमें क्या हाथ पैर धो सकते हैं, ठीक है। बस वो अगर आपका बुजुर्ग व्यक्ति हैं थोड़ा ओल्ड एज का, तो आप प्लीज़ यहाँ पे लिफ्ट का देख सकते हैं, लिफ्ट भी लगा हुआ है, आप लिफ्ट से भी ऊपर जा सकते हैं। थोड़ा अगर नॉर्मल कोई पर्सन है तो आप सीढ़ी से आराम से ऊपर जा सकते हैं। देखिए ऊपर जैसे जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पे पहले देख सकते हैं, जैसा कि मैंने रोड से दिखाया था आपको, अब देखिए जिसका छत है यानी कि जो मंदिर है उसका, वहाँ से ये रोड साइड का व्यू है। अब जब आप लेफ्ट साइड देखेंगे वहाँ से, देखिए इधर आपको जो है राइट साइड में देखने को मिलेगा, बहुत ही प्यारा मंदिर है, बहुत ही बड़ा एरिया में बना हुआ है, ठीक है। तो देख सकते हैं अभी थोड़ा खाली है, क्योंकि मैं गया हुआ था थोड़ा दोपहर में गया हुआ था, तो इस टाइम थोड़ा सा खाली है, क्योंकि उस टाइम थोड़ा कम लोग रहते हैं। तो फिर भी देख सकते हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पर जो है डेली साल के 365 दिन आपको बोल सकते हैं 12 से 1 बजे तक आपको जो है बोल सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है वो लंगर वगैरह जैसा होता है सिख लोग का, तो वैसे इस मंदिर में आपको प्रसाद के रूप में 12 से 1 बजे तक कुछ नाश्ता वगैरह का, कुछ भोजन वगैरह का व्यवस्था किया जाता है। तो आप लोग भी चाहे तो वहाँ पे जा सकते हैं, 12 से 1 या 2 के बीच है, आप लेकिन कन्फर्म आपको 365 दिन मिलेगा। और देख सकते हैं ये मंदिर बहुत ही प्यारा मंदिर बना हुआ है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा पर्सनली, मैं बताऊँ अगर अपना एक्सपीरियंस। तो और यहाँ पे अच्छे अच्छे बहुत सारे कलाकृतियाँ भी है, मूर्तियाँ भी है, और हर एक जो बोल सकते हैं आपका भगवान का मूर्ति इसके अंदर रखा हुआ है। और देखिए कुछ लोग अभी यहाँ पे प्रसाद खा रहे हैं, और देखिए बहुत सारे लोग अभी आ भी रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे दिन भर भीड़ रहता है, दिन भर सुबह से जो खुलता है उसके बाद दिन भर तक यहाँ भीड़ रहता ही है, क्योंकि लोग आना जाना इसमें लगा रहता है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।